थोड़ा मस्ती को साइड में हटाते हैं, मतलब मैं कंसिस्टेंट हूँ ठीक है, बट अभी मेरे को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा इस ट्रैक के लिए, क्योंकि मतलब क्या बोलूँ इस ट्रैक के बारे में, बहुत मायने रखता है ठीक है मेरे लिए ट्रैक, जो एग्जाम्स में दे रहा था। सो जो मेरा डिप्रेशन वाला फ्रेज आ जाता है ना, मतलब तुम्हें को मूव ऑन करने में हेल्प करता है ये ट्रैक, मतलब पूरा एग्जाम्स मैंने यही ट्रैक सुनते सुनते बिताया। मैं जिस दिन लास्ट दिन एग्जाम खत्म हुआ उस दिन भी कार में पूरा दिन यही प्ले कर रहा था मैं ठीक है, दोस्तों को भी यही सुना रहा था, वो लोग तो भाई पागल हो गए थे सुन सुन के ट्रैक को। सो दैट्स द सीन। थोड़ा बहुत मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ा था अभी मैं, तो उसमें मेरे को पता चला कि यू नो इसमें फ्रेजेस में बात होने वाली है, जैसे कि जो डीनो जेम्स भाई है वो डिफिकल्टीज के बारे में बताने वाले हैं जो भी वो फेस करते हैं जब वो किसी को मिस करते हैं, मतलब जिससे उनने प्यार किया था। और जो इक्का भाई है वो मतलब उस रिग्रेट में कि यू नो मैं एक ब्रोकर रिलेशनशिप को वापस जोड़ नहीं पाया ठीक है, सो उनका वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बादशाह भाई है वो अपने को ये बताते हैं कि यू नो एक मैन के लिए ब्रेकडाउन होना भी सही है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो इस फ्रेज में, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मतलब ये देखो हमको, देखो हम बैठे हैं तुम्हारे आशिक मिजाज के पूरे, तो हम तुमको समझाएंगे भाई ट्रैक के बारे में, हम भी इसी मतलब यू नो लेन से गुजरे हुए, तो तुम अकेले नहीं हो भाई, दैट्स द सीन। और या मैन सीधा ट्रैक में घुसते पता लगाते भाई मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था यार, दूसरा चैनल है, पर जो भी है लेट्स गेट इन फॉर नाउ। और या मैंने स्ट्रक में ऐसा कुछ ब्रेकडाउन जैसा खास नहीं है, बट जो भी चीजें होंगी मैं तुमको बताता जाऊंगा जो मुझे लगेंगी, बाकी सब्सक्राइब करते जाओ यार, लेट्स गो। हम तो डूबे हैं उनकी तस्वीरों में, मिले सकून नहीं उनके बिन नींदों में क्या। यो ए एक सेकंड, एक सेकंड, पहले तो मैं तुमको एक क्लियर कर दूं बात को कि दीज आर टू डिफरेंट लाइन ठीक है, मतलब मेरे को पहले ऐसा लगता था कि बोल रहा है कि उनकी तस्वीरों में मिले सुकून नहीं, साहब उस लड़की क्या बात ही कर रहा है, उसकी तस्वीर देखकर उसको सुकून क्यों नहीं मिल रहा भाई, ये तो बहुत डीप बातें हो रही है। बट एक्चुअली ऐसा है कि मतलब वो इट इज़ जस्ट फॉर द फ्लो बेसिकली कि यू नो हम तो डूबे हैं उनकी तस्वीरों में, यहाँ पे लाइन एंड हो जाती है ठीक है। फिर मिले सुकून नहीं उनके बिन नींदों में, सो बेसिकली नींदों में अपने को क्या मिलता है, सो के सुकून मिलता, तो अब सुकून भी नहीं मिल रहा भाई, ये कुछ सोच रहा है भाई रात को उसके बारे में, ब्रो ये बहुत डीप बातें सोच रहा है यार, तुम सो जाओ भाई। उनकी तस्वीरों में मिले सुकून नहीं, उनके बिन नींदों में क्या याद मुझे भी करती होगी वो, क्या याद मुझे भी करती होगी वो, अब उसका पता नहीं दिल में जो रहता था उसकी बातों के, अफसाने लिखने बैठा क्या याद मुझे भी करती होगी वो। ब्रो एक सेकेंड यार, अफसाने लिखने बैठा मतलब यू नो कि मैं कहानियां लिखने बैठा, जो भी उसकी बातों की कहानियां लिखने बैठा, एक रोमांटिक स्टोरी लिखने बैठा, समझ रहे हो। अगर तुम भाई तुमको पता है मेरी लाइफ की स्टोरी ऐसी ही कुछ है, यू नो लाइक आई एम अ डांसर, यू ऑलरेडी नो ठीक है, 10 साल से यू नो मैं कोरियोग्राफ करता एंड एवरीथिंग। सो पता है जब हमको लाइक मैं प्रॉपर वो ऐसा कोई फ्रेज का बनाता था, जब कोई सैड फ्रेज का कोई डांस वीडियो होता था, तो पता है तुमको मूवी के डायलॉग्स यूज़ करा करते, सो मूवी के डायलॉग्स की जगह पे मैं रियल कॉल रिकॉर्डिंग्स यूज़ किया करता था, समझ रहे हो, जैसे किंग ने किया था एक बार। सो ये सब चीज़ें तो मैं अभी देख रहा हूँ, बट मैं ये सब चीज़ें 2-3 साल पहले करके छोड़ चुका हूँ, तो रियल कॉल रिकॉर्डिंग्स होती थी, रियल बातें होती थी उसमें, तो वो चीज़ें, तो ये उसी चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि वो जो चीज़ें बोलती है ना मैं उसकी कहानियाँ लिखता हूँ, तो मेरी पेन गेम मेरा वर्क सब उसी से चलता है, समझ रहे हो, कि उसी के रिलेटेड मैं काम कर पा रहा हूँ, उसी से मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, उसी से मैं गाने लिख रहा हूँ, बट क्या वो मुझे याद करती होगी, इट इज़ लाइक हार्ट ब्रेकिंग, मतलब समझ रहे हो, तुम बैठ के उसके बारे में गाने लिख रहे हो और बंदे को ये नहीं पता कि वो मुझे याद भी करती होगी क्या, ब्रो व्हाट द फक। अफसाने लिखने बैठा क्या याद मुझे भी करती होगी वो, क्या याद मुझे भी करती होगी वो, हम तो डूबे हैं तस्वीरों में, मिले सकून नहीं उनके बिन नींदों में, क्या याद मुझे भी करती होगी वो, क्या याद मुझे भी करती होगी वो, अब उसका पता नहीं दिल में जो रहता था उसकी बातों के, अफसाने लिखने बैठा दिस हुक भाई, मुझे मैंने अपराध किया ठीक है कि सारे ब्लैक को छुपा के किया वाइट, तो बेसिकली यू नो व्हेनेवर यू
ट्रांसेक्ट की, मतलब ब्लैक मनी को तुम व्हाइट में कन्वर्ट करते हो, तो तुम्हारी नीयत साफ नहीं होती। तो ये रिलेशनशिप को लेकर ऐसे बोल रहा है कि मैंने यू नो मेरी कभी नीयत ही साफ नहीं थी रिलेशनशिप में, तो उस चक्कर में यू नो तू भी मुझे छोड़ के चली गई और अब मैं यू नो ऐसी अफवाह फैलाता कि तू मुझे मिस करती है, समझ रहे हो, लोगों में मैं ऐसी अफवाह फैलाया करता हूँ। सो मैं तुझे अपराधी बताया करता हूँ, तू ऐसा समझाता हूँ कि तू अफसोस करती है मेरे बिना, बट अफसोस तो मुझे हो रहा है क्योंकि मेरी कभी नीयत ही साफ नहीं थी। और जब तुम्हारी नीयत साफ नहीं होती तो एंड में तुम कितना भी काला पैसा छाप लो, ठीक है, तुम आखिर में जाके टूटो गई, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। हर मूवी में दिखाते यार ऐसा, तो दे आर वेरी सिंपल थिंग्स, बट अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो बहुत चीजें इसमें मिलेगी तुमको ब्रो। एग्जैक्टली ब्रो, आ जाओ भाई। ये खताई और लिया मेरा साइड, गलती छुपा के सारे ब्लैक को किया वाइट, मेरे बिना शीज डाइन फैलाऊ मैं अफवाह, काफी सारा कहना पर पता नहीं तू कहां, जैसे मिस में करूं बेबी यू मिस मी क्या, मेरे बर्थडे में बेटा तूने विश नहीं किया, डिनोसॉर के बताइए तुझे किसने कहा भाई साहब, बताइए ये पता है यू नो इट्स लाइक मेरा ऐसा उसूल है कि मतलब ऐसा पता नहीं सब लोग ऐसा करते कि नहीं, मेरा जिस दिन बर्थडे होता है ना उस दिन मैं सारे गिले शिकवे माफ़ करता हूँ, मतलब मुझे दुश्मन भी आके मैसेज करेगा ना कि हैप्पी बर्थडे, मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू सो मच, ऐसा सीन है। तो मैं वो एक दिन होता है जब मेरी एक्स मुझे कॉल करती है, समझ रहे हो, कि बर्थडे विश करने के लिए और एक दो घंटा बात बात करती है, ऐसा कुछ होता है हमारे में, और वो फिर पूरा पूरा दिन कॉल करती है ऐसा, कि वो एक दिन होता है जिस दिन मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ ना भाई, तो यू नो हर साल कॉल करा करती थी बट इस साल नहीं किया, समझ रहे हो। तो जब ये गाना आया उसने बोला ना कि मेरे बर्थडे पे बेटा तूने विश नहीं किया ब्रो, मैं खड़ा हो गया था भाई, मैं खड़ा हो गया था भाई टीवी देखते देखते ब्रो, मतलब क्या बोलूं यार, मतलब ये बहुत पर्सनल गाना है मेरे लिए, तुम सोच नहीं सकते उतना पर्सनल गाना है, मैंने सपना था कि इसको मैं चैनल पे लेके आऊं, समझ रहे हो। बताइए तुझे किसने कहा, खैर अब तो झेलना पड़ेगा पेन ये हिस्से का, क्या पुराने अपने चैट्स को तू करती होगी, क्योंकि मैंने तेरा उस टाइम पे इतना दिल दुखाया था, अब तू मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास मेरी तो रिग्रेट्स हैं ही, तेरी भी रिग्रेट्स हैं, समझो तो अब झेलना पड़ेगा तेरे भी हिस्से का ब्रो, व्हाट द फक, क्या तू टाइप करके मैसेजेस करती होगी डिलीट, तू भी पूछना चाहती है कि कैसा है तू, क्या तू भी ट्राई कर रही है, आर यू ट्राइंग टू रीच, तेरे ख्याल में नहीं हूं पर तू ख्याल रखना, डी साथ में नहीं थोड़ा मलाल रखना, तेरे ख्याल में तेरे को मेरे ख्यालात भी नहीं आते होंगे, तेरे ख्याल में नहीं हूं बट मेरे ख्याल में है कि तू हमेशा अपना ख्याल रखना, तुम्हें अपनी केयर करना, समझ लो किस लेवल का प्यार जा रहा है यहाँ पे, डी साथ में नहीं है थोड़ा मलाल रखना, थोड़ा रिग्रेट्स रखना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, कि ऐसा नहीं कि तू मुझे पूरा ही भूल जाए ब्रो, व्हाट द फक, ऐसे रोकने जाऊंगा तो ब्रदर लगता है दो घंटे का रिएक्शन बनेगा, बट भाई रियल ऑडियंस टिकोगे तुम लोग, नहीं थोड़ा मलाल रखना, जो भी था मेरे पास वो हुआ एग्जॉस्ट, वापस प्यार करने की करूं मजा लबना, तो दैट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बार्ट की, बट ठीक है कि आफ्टर अ लॉन्ग रन तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो, ठीक है, सो इट इज़ लाइक कि भाई मैं अब रिलेशनशिप में इतना भाग चुका हूँ तेरे पीछे आफ्टर द ब्रेकअप कि भाई अब मेरे पास सब एग्जॉस्ट हो चुका है मेरा, तो मैं अब प्यार करने की मजा वापस नहीं कर सकता, दैट्स द सीन। तो इस तरीके से वो अपनी लड़की को रीच आउट वापस नहीं कर पा रहे चाह कर भी, तो ऐसा ही पूरे सॉन्ग में कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है, अब तुम देखते जाओ। Bro, what the fuck, that distorted vocals जो पीछे से आ रहे हैं भाई यार, तुम कैसा mix master किया, रुकोगे दो मिनट यार तुम। ये तो किसने ये वीडियो बनाया भाई, ये भी बहुत खतरनाक जा रहा है भाई, तो ऐसा दिल जले आशुकों का गाना बना दिया, ऊपर से आग वाग लगा रहे हो भाई तुम, ठीक है ऐसे वर्स में रुको यार, दिल ये लगाया नहीं कभी, वफा मैंने तुझको बुलाया नहीं, अभी प्यार किया बस तुझे के नवाया नहीं कभी, बस के नहीं बरसाते हो तेरे दिए गम दिल माने ब्रो, लाइक दे आर मतलब वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में जैसा बोला था ना कि ब्रो मेरा मतलब मैं एक ब्रोकन रिलेशनशिप को नहीं जोड़ पाया तो मेरी गलतियाँ, ठीक है, तो मैं तेरे को बेवफा अभी बुलाया नहीं है, मतलब मैं अभी ओवरकम नहीं किया तुझसे, मैं अभी भी एक तरफा तुझसे प्यार करता ही हूँ, समझ रहे हो। और उसने बोला गिनी बरसाते और तेरे दिए गम, गिनी आई थिंक सो मीन्स करता है कि कोई बहुत प्रीशियस, तो प्रीशियस बरसाते एंड तेरे दिए गम, तो गम में क्या बहते आंसू पानी ड्रॉपलेट्स, इट इज ऑल कनेक्टेड ब्रो, बरसाते हो तेरे दिए गम, दिल माने ना ये बात की अब साथ नहीं हम, बोले बाबा थोड़ा करो इन कष्टों को कम, मेरे साथ काली रात और एक पूरी बोतल रम, पूरी रात नहीं सोबर दारू बड़ी पी है, ये जो मोहब्बत ख्यालों में जी है, तुम तो मर जा रहे हैं।
पता है ये जो मैं पता है जब ओवर एक्साइटेड होता हूँ मेरी आवाज पतली होती जाती है, पता है हमेशा जैसे बादशाह की भी ऐसी होती है, ये पूरा वैसा दिखाना ही जा रहा है। पता है तुम देखो यहाँ पे आवाज देखो इसकी भाई, तुम फील करो भाई, तुम वर्ड्स को छोड़ दो, तुम जज्बात पकड़ो भाई। ये जो मोहब्बत है भाई, भाई रुको यार, तुम भाई तुम मेरे लौंडो लौंडे तो पागल हो जाएंगे भाई, तुम रुको यार। मतलब यू नो व्हेनेवर वी गो ऑन अ डेट, मूवी वूवी पे जाते हैं अपन, तो मे भी पता है बहुत बार ऐसा अपने को फील होता है, अपन जैसे लड़की को हग वग करते ठीक है, और घर आ जाते, घर आने के बाद अपन बहुत लौंडे सोचते हैं कि यार अपने को किस करने का मन था बट एक्चुअल वो हुई नहीं, मे बी फ्यूचर में हो जाएगी ठीक है, ऐसा अपन सोचते। तो एट दैट टाइम अपन वो ख्यालों में जी रहे होते कि भाई हुआ था, ऐसा हुआ था, और अपन खुद को खुश कर रहे होते ठीक है। तो वो ऐसा बोल रहा है कि भाई मैंने ये पूरी मोहब्बत ही तुझसे ख्यालों में की है ब्रो, मतलब मैं कभी इजहार ही नहीं कर पाया उस तरीके से जैसी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तो मैं खुद को मनाने के लिए बस ये मोहब्बत अपने ख्यालों में करता जा रहा हूँ और खुद को खुश रख रहा हूँ ब्रो। कम ऑन यार, तुम रुको यार। इट इज लाइक अ म्यूचुअल ब्रेकअप बेसिकली, कि अभी मैंने भी तुझे बेवफा नहीं बुलाया, तूने भी मुझसे ओवरकम करके, ऐसा नहीं है कि तू लड़कियां पता है बोल देती है कि भाई अरे यार क्या था वो, मतलब ऐसा चूतिया था, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है कि दोस्तों को बोला बुरा मेरे बारे अभी नहीं है बेसिकली, तू भी मुझसे ओवरकम नहीं किया, कोई मेरे बारे में बोलता है तो आज भी तेरी जलती है, तो ऐसा सीन है, मतलब समझ रहे हो तुम, ऐसा डीप डीप प्यार है भाई। तू कहीं पर बंदा खड़ा वही है, गलत बस हम वो तो लड़की है तो सही, गलत बस हम वो तो लड़की है तो सही है, बेसिकली दुनिया पर ये मानती कि बस हम गलत है, लौंडो को कोई नहीं पूछता भाई, लौंडे तभी भी रिलेशनशिप में भी टूटते, रिलेशनशिप के बाद भी टूटते, लौंडो काम करो यार। हम तो डूबे कर लो भाई, क्या याद मुझे भी करती होगी वो, yeah, तो देखना वो दर्द नहीं क्या बादशाह भाई, भाई तुम रुक जाओ यार, तुम भाई तुम मेरे को ना मेरा ना गूज़बम्स खड़े ना कर दो कहीं, yeah, तो देखना वो दर्द नहीं क्या, माहौल ये सर्द नहीं क्या, आंसू ना देखे आंखें हैं किसकी, जो रोता है वो मर्द नहीं क्या, ये एग्जैक्टली वैसा ही जा रहा है यार जैसा लिखा गया है, कि ना ब्रेकडाउन होना भी बहुत सही है, ये मेरे को एंजाइटी दे देगा साला, मैं मर्द नहीं हूँ क्या भाई, रोते तो हम भी है भाई, बता है वो मर्द नहीं क्या, ये बता मुझे कि कौन नहीं रोता, यो हमारे कमरे में नहीं सोता, यो बंद टीवी ऑन नहीं होता, मैं ओल्ड स्कूल, मुझसे मूव ऑन नहीं होता भाई साहब, तो सोच रहे वो ऐसे लेटा होगा भाई रूम में लाइट्स ऑफ करके, लाइट्स नहीं मतलब यू नो टीवी नहीं चल रही भाई, मतलब वो क्या ख्यालात में होगा ब्रो, मतलब ऐसा लड़की क्या सोच रहा होगा ऐसी लड़की के बारे में, मैं भी वो सोचना चाहता हूँ भाई, थोड़ा बेड शेयर करोगे क्या बादशाह भाई तुम यार, नहीं नहीं तो गलत हो जाएगा भाई, पर जो भी है भाई बहुत सही है यार, ओल्ड स्कूल मुझसे मूव ऑन नहीं होता, हमसे भी नहीं हो रहा यार, हमसे भी नहीं हो रहा यार, तुम हमारे भी बातें पूछो यार, जाने वो कहां है, पहले भी लड़े हैं ये पहली तूफान है, पर कभी ऐसी कोई वो खफा नहीं मेरी वो बेवफा नहीं, तुम भाई लड़की को बहुत प्रीशियस मान के चल रहे हो यार, तुम बोल रहे हो कि भाई ऐसी वो कभी अपसेट नहीं हुई, खफा मतलब अपसेट होता है बेसिकली, गलती है मेरी वो बेवफा नहीं भाई साहब, यार होल्ड ऑल भाई, तुम मतलब ऐसा कभी सोचते ना, बहुत बार रिलेशनशिप में अपन ऐसा सोचते कि यार ठीक है अपन पहले भी झगड़ा कर चुके हैं यार, ठीक है आ गई थी पिछली बार भी, इस बार भी आ जाएगी, गलती से चली गई ना भाई तुम्हारी फट जाएगी भाई, तो तुम अगर कर रहे हो प्यार तो संभाल के रखो यार, ठीक है नहीं करो तो भाई मेरे जैसे बन जाओ, फिर तुम काम करो बस, पर अगर कर रहे हो तो भाई अच्छे से करो यार, तुम ऐसे डीप जाओ भाई, गलती है मेरी वो बेवफा नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया, पिछले महीने कैंसिल हर शो किया, कल फ्लाइट में यूं ही बैठे बैठे रो दिया, तेरे जाने पे पता चला मैंने क्या खो दिया, हम तो डूबे भाई साहब, यार वो बंदा भाई लोग रोड पे रो रहे भाई, बंदे सिगरेट फूंक रहे भाई, बंदा बादशाह का फ्लेक्सिया लगे भाई, वो बंदा फ्लाइट में रो रहा है भाई, तुम तो सोच रहे हो, मैं ऐसा सोच रहा था कि यू नो मतलब ऐसा अंदर से मेरा आता था कि अरे यार अब तो यार मतलब व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, फैंस बन रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं भाई, अभी मीटअप्स करेंगे आगे चढ़ेंगे, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई सक्सेस करेंगे तो अपन लड़कियों को भूल जाएंगे, बंदा डबल एंजाइटी दे गया भाई, तुम प्लेन में बैठ के रो रहे हो बंदी के लिए यार, ये किस लेवल का फ्लेक्स है, और फ्लेक्स तो छोड़ो ये किस लेवल का गम है यार, मतलब तुम सोच रहे हो कि बंदे ने रॉयल्स रॉयस ले ली पर वो स्टिल बंदी के चक्कर में रो रहा है यार,
मतलब यार मेरे को लगता है अपन सबको मिल के अभी एक बंदी पटानी चाहिए, समझ रहे हो, ये अपने को सलाह है, तुम बंदी पटाओ यार। ब्रो सक्सेस से अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा ऐसा तो नहीं होने वाला, ये मैं बादशाह को देख के समझ चुका हूँ भाई, बंदी पटाते कल से, ठीक है। तुम्हारे पास कोई हो सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम तो डूबे हैं उनकी तस्वीरों में, मिले सकून नहीं उनके बिन नींदों में, क्या याद मुझे भी करती होगी वो, क्या याद मुझे भी करती होगी वो, अब उसका पता नहीं। को बहुत डीप ख्यालात में डाल दिया, मैं बहुत डीप एंजाइटी में चला गया हूँ भाई, रुक जाओ यार, वो बादशाह की लड़की नहीं पटा पा रहे भाई, मैं यार मेरे को वो नहीं जम रहा यार। दिल में जो रहता था उसकी बातों के फसाने लिखने बैठा, क्या याद मुझे भी करती होगी वो, क्या याद मुझे भी करती होगी वो। सॉन्ग डजंट नीड अ वीडियो भाई, मैं खुद इमेजिन कर पाता हूँ डीनो जेम्स को जब ये चीज़ें बोल रहा है, ठीक है, वो डूबा डूबा बैठा हुआ है, ठीक है, कहीं पे यू नो बेड पे बैठा हुआ है, सोच रहा है, खिड़की के बाहर देख रहा है, एंड बादशाह भाई मतलब समझ रहे उनका सब है, वो लड़की नहीं है जिनको चाहते, मतलब मेरा कहने का मतलब थोड़ा समझो यार, थोड़ा जज्बात समझो मेरे, समझ रहे हो भाई, जाने दो यार, या तो मतलब लड़की पटाओ ही मत, अगर पटा रहे हो तो बस जाने मत दो यार, समझ रहे हो, मर मिटो भाई, लाश के ऊपर से गुजरने मत दो उसे, समझ रहे हो। Yo, this is legendary. मतलब आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दिस वाज अ फन रिएक्शन, ठीक है, मतलब दिस वाज अ फन रिएक्शन, ऐसा हल्के में लो यार, मतलब मैं मस्ती कर रहा हूँ सुबह सुबह यार, सानी मैं ऐसा हूँ नहीं, तो मेरे बाकी वीडियोस जाके देखना, अच्छा ब्रेक डाउन करते यार, मतलब ये तो मैं थोड़ा जज्बातों में बह जाता हूँ यार कभी कभी, समझ रहे, थोड़ा मस्ती भी जरूरी है चैनल पे, उसलिए बाकी नेता लग रहा हूँ ना आज ऐसा जैकेट वैकेट पहन के। बाकी यार तुम मुझे बताओ यार, 18 मिनट का वीडियो बन गया बकचोदी करते करते भाई, लोग तुम मुझे बताओ क्या फील किया तुमने, कुछ सलाह वलाह मिली तुम्हें इस वीडियो से, अगर मिली है तो मुझे भी समझाओ यार, क्योंकि मेरे को याद नहीं कि मैंने अंदर क्या बोला वीडियो की यार, मैं बस सर जज्बात में बह गया था, तुम मुझे बताओ मैंने बोला क्या, और तुम्हें कुछ अच्छा लगा तो वो भी बताओ, कुछ बुरा लगा तो वो भी बताओ, मैं खुद पे काम कर सकूँ यार, बंदी पटाने का टाइम नहीं है, पर अगर तुम बोलोगे तो मैं पटा लूँगा यार, मतलब ऐसा मेरे को रोना नहीं है यार सर, रोने लग गया तो मैं काम कैसे करूँगा ब्रो, कम ऑन भाई, मतलब मैं अगर फ्लाइट में बैठ के भी रो रहा हूँ एक बंदी के लिए तो क्या मतलब यार फ्लाइट में जाने का, सर तो बहन चो क्रैश करा दो मेरी फ्लाइट यार, ओ माई गॉड दिस इज डीप, बादशाह भाई कुछ कमर्शियल निकालो यार, कुछ गेंदा फूल वेंदा फूल निकालो, मुझे लगे इंसान जिंदा है भाई, तुम तो ये क्या है ये, जाने दो भाई, अब मैं जा रहा हूँ फटाफट इधर से निकल रहा हूँ, मैं अब बंदी बनाने जा रहा हूँ भाई, तुम मुझे रोकना मत प्लीज़ यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो भाई मुझे यार, 35,000 सब्सक्राइबर दिख जाने चाहिए इस वीडियो के बाद, मुझे नहीं सुनना, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है यार, तुम लोग क्या बोलने वाले हो कि नहीं होंगे नहीं होंगे, नहीं नहीं होंगे, तुम करो भाई, मैं जा रहा हूँ भाई अभी, ठीक है, गुड नाइट यार। हुआ मैं तो ये गेमों को खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेब्लेड, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में, स्कूल में तालिक तरह बुक थी क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैचमेट, ओके मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक, M11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक।